उत्तर प्रदेश में महिलाओं से ज्यादा बच्चों के साथ हिंसा व अपराध के मामले सामने आ रहे हैं। उन्नाव, मैनपुरी, झांसी आदि शहरों में महिलाओं व बच्चियों के साथ सामने आए अपराध से लोगों में खासा गुस्सा है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं व बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध के मामले में आरोपियों को जल्द सजा दिलाए जाने के लिए योगी सरकार ने 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इसमें 144 कोर्ट रेगुलर होंगे जो सिर्फ दुष्कर्म के मामले ही देखेंगे, जबकि 74 पॉक्सो कोर्ट खोले जाएंगे। प्रति कोर्ट 75 लाख रुपए खर्च आएगा। यह निर्णय सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इसी के साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना को बलिया से जोड़ने के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना विकास और DPR बनाने के लिए परामर्शी चयन को मंजूरी मिली है। इस पर 1500 से 1600 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं चेयर रिपोर्ट के विकासकर्ता के चयन का प्रस्ताव भी पास कर लिया गया है। प्रदेश सरकार ने 29 नवम्बर को जेवर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए विकासकर्ता का चयन ग्लोबल टेंडर के जरिए किया था। अयोध्या, गोरखपुर और फिरोजाबाद नगर निगम के सीमा विस्तार को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। वहीं अयोध्या में 41 गांव, गोरखपुर में 31 गांव और फिरोजाबाद में 1 गांव को नगर निगम में शामिल किए जाने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। साथ ही 50 करोड़ के ऊपर के भवनों का PWD अब DPR बनाएगा, इस पर भी मोहर लगा दी गई है। वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना को बलिया से जोड़ने के लिए एक बलिया लिंक एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा। मैं उसको बनाने के लिए आज DPR जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है उसकी अनुमति के लिए कैबिनेट के पास आया था। उसका जो लगभग DPR बनाने का जो खर्चा होएगा वो 1 करोड़ रुपए। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद इमरान के साथ रजनीश छवि, जनमत न्यूज़, लखनऊ।